हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में पीएच मान से विलयन की प्रकृति ज्ञात करना। अब पीएच मान पढ़ा दिए हैं, अब विलयन की प्रकृति यानी कि पीएच का मान का अगर मान कम है तो विलयन की कैसी प्रकृति होगी, विलयन का पीएच मान अधिक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसको ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो जबकि पिछले वीडियो में हम लोग पीएच मान पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप पहले जल का आयनीकरण निकालेंगे, जल का आयनीकरण, जल का आयनीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जल का आयनाइजेशन होता है तो H2O यह बनेगा H प्लस और OH माइनस बनेगा। तो इसके बाद जबकि जल का आयनिक गुणन फल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 घाते माइनस 14 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का माइनस लॉग लेने पर, माइनस लॉग लेने पर तो यहाँ पे माइनस लॉग लेंगे तो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे कोष्टक में रहेगा इनटू OH माइनस की सांद्रता बराबर हो जाएगा 10 घाते माइनस नहीं, यहाँ पे लॉग माइनस लॉग 10 घाते माइनस 14। अब यह 10 घाते माइनस 14 है तो यह जो घात में होता है वह इधर आके गुणा हो जाता है, तो यह माइनस और यह माइनस गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा, 14 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस लॉग OH आयन की सांद्रता माइनस लॉग OH आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा यह 14 लॉग 10, 14 लॉग 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि यह लॉग गुणक के अनुसार हो जाएगा लॉग यम इंटू यन बराबर होता है लॉग यम प्लस लॉग यन होता है, तो यहाँ पर इसी के अनुसार यह तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा चूंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक OH आयन है, तो जिसकी जितनी सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उतनी ही OH माइनस आयन की सांद्रता होगी, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर OH की जगह पे H लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 14 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1 होता है तो लॉग 10 का मान 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि pH बराबर होता है माइनस लॉग
आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर इसलिए माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, तो यहाँ पे पीएच इसके बराबर पीएच लिख देंगे और इसके बराबर पीएच लिख देंगे, तो पीएच प्लस पीएच बराबर 14 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 पीएच बराबर 14। तो पीएच बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि पीएच बराबर हो जाएगा 7। तो इस तरह से हो जाएगा यह जल का आयनिक गुणनफलता। तो जल के लिए है तो यानी कि जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7। तो यदि इसमें तीन कंडीशन होता, यदि पीएच बराबर 7 तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और यदि यह पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन होता है यदि पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक होगा, तो विलयन होगा क्षारीय, यानी कि क्षारीय विलयन प्राप्त होगा। यदि तीसरा कंडीशन है यदि पीएच का मान 7 से कम हो, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा अम्लीय। विलयन कैसा होगा, अम्लीय, यानी कि जब पीएच का मान, अगर किसी भी विलयन का पीएच का मान 7 अगर आ जाएगा तो वहां पर विलयन कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक होने का मतलब 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक होता है, क्योंकि इसका आयनिक गुणनफल क्या होता है, 10^-14 तक होता है। तो यहाँ पर तो वहाँ पे विलयन कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। यदि विलयन पीएच का मान 7 से कम होगा, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.99 तक, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यहाँ पर देखेंगे ग्राफ के अनुसार, तो यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक। तो यहाँ पर यह पीएच स्केल है, तो यहाँ पर हो जाएगा पीएच का मान 7 होगा तो यहाँ पे उदासीन होगा, और यहाँ से यहाँ तक 6.9 तक या तो यह अम्ली विलयन होगा, और यहाँ पर 7 से 14 तक, यानी कि 7.1 से लेके 14 तक यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। जो पीएच का मान होता है, यानी कि और इसमें यह 0 जो होगा, पीएच का मान 0 अगर हो जाता है तो यह प्रबल अम्ली होगा, प्रबल अम्ली,